अक्सर हम इलेक्ट्रिक केटली का यूज़ चाय, कॉफ़ी या फिर पानी गर्म करने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन आज हम इस इलेक्ट्रिक केटली का यूज़ कुकिंग में करने वाले हैं। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं इंस्टेंट खिला खिला बासमती राइस, जिसे बनाना बहुत ही आसान हो जाता है इस इलेक्ट्रिक केटली में। और जो लोग ट्रैवलिंग के दौरान बाहर कुछ नहीं खा पाते, उनके लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल हो जाता है उस टाइम के लिए। या फिर कोई स्टूडेंट या फिर बैचलर एग्जाम्स के टाइम जिनके पास थोड़ा सा भी टाइम नहीं होता कुकिंग के लिए, उनके लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल हो जाता है, क्योंकि ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है और झटपट बन जाता है और इसमें कोई परेशानी की बात नहीं होती। तो चलिए आज के ये वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी का। सबसे पहले तो हम यहाँ पे 200 ग्राम चावल लेंगे और उसे हम लोग अच्छे से धोकर फिर इस केटली में डाल देंगे। और फिर हम लोग इसमें पानी को भी रखने वाले हैं, तो मेरा जो पानी का क्वांटिटी है ना, वो चावल से डबल और थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। जो हम नॉर्मली कुकर में बनाते हैं ना, तो उससे थोड़ा ज़्यादा इसमें हम लोग पानी रखने वाले हैं। इसके बाद इसमें हम लोग डाल देंगे 1 चम्मच घी। इससे क्या होता है ना, हमारा जो चावल है वो एक दूसरे से चिपकता नहीं है और ये खिला खिला दिखता है। इसके बाद इसका जो ढक्कन है हम उसे बंद कर देंगे और फिर इसका स्विच ऑन कर देंगे। हमारा जो चावल है वो 7 से 8 मिनट में अच्छे से पक के रेडी हो जाता है। 2 से 3 मिनट में हमारा जो चावल है वो उबलने लगता है, तो उस टाइम पे इसका स्विच है वो ऑफ हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो हम वहाँ पे 1 से 2 मिनट रुकेंगे और फिर इसका स्विच ऑन कर देंगे। जब हमारा स्विच ऑफ हो जाएगा तो हम बीच में चेक भी कर सकते हैं हमारा जो चावल है वो पका है या नहीं। तो उसके लिए हम थोड़ा सा चावल को बाहर निकाल लेंगे और उंगली की मदद से हम चेक कर लेंगे। अगर हमारा चावल नहीं पका है तो हम इसका ढक्कन फिर से लगा देंगे और इसका स्विच ऑन कर देंगे। और 30 से 40 सेकेंड के बाद जब ये और उबलने लगता है ना, तो ये ऑटोमेटिकली फिर से ऑफ हो जाता है। तो आपको इसे थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, 8 से 10 मिनट में अच्छे से बन के रेडी हो जाता है। लेकिन जब आप इसका स्विच ऑफ होने के बाद डायरेक्टली ऑन करोगे तो ये ऑन नहीं होगा, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा और फिर 2 से 3 मिनट के बाद आप इसका स्विच फिर से ऑन कर सकते हो। और फिर हम इसी प्रोसेस को 2 से 3 बार करेंगे जब तक हमारा जो चावल है वो अच्छे से पक के रेडी ना हो जाए। तो अब हमारा 8 से 10 मिनट हो गया है, तो अब हम फिर से चेक करेंगे हमारा जो चावल है वो पका है या नहीं। तो हम थोड़ा सा चावल को बाहर निकाल के चेक करेंगे, तो अब हमारा जो चावल है वो अच्छे से पक गया है और इसमें एक्स्ट्रा जितना भी पानी है ना, हम उसे बाहर निकाल लेंगे। और हमारा जो चावल है वो बहुत ही खिला खिला पका है। इसमें से एक्स्ट्रा पानी निकालने के बाद अब हम चावल को भी बाहर निकालेंगे और हमारा जो चावल है वो बहुत ही अच्छा बना है और बहुत ही खिला खिला बना है और आपको ये बहुत टेस्टी भी लगेगा। तो आप इस रेसिपी को ट्राई करके हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको ये कैसा लगा, और अच्छा लगे तो इसे लाइक करिएगा और सबके साथ ज़रूर शेयर करिएगा जो ज़्यादा ट्रैवलिंग करते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।